राजेश सेठी का स्वस्थ होना इसलिए भी अहम है क्योंकि वो पहले ही दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। राजेश सेठी ने पीजीआई प्रबंधन और डॉक्टरों का आभार जताया। वहीं पीजीआई डायरेक्टर जगतराम ने बताया कि राजेश सेठी दिल की बीमारी से जूझ रहे थे, इसके लिए उनका इलाज एक बड़ी चुनौती था, लेकिन पीजीआई के काबिल डॉक्टरों ने स्वस्थ कर दिया है। कार्डियक विभाग के डॉक्टर और प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने बताया कि राजेश सेठी के इलाज में खास वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया, जिसकी चर्चा वेबिनार के दौरान भी की गई थी। कोरोना वायरस वैसे तो हर इंसान के लिए खतरनाक है, लेकिन जो पहले ही किसी बीमारी से ग्रस्त है उनको कोरोना वायरस ज्यादा प्रभावित करता है। यही कारण है कि चंडीगढ़ पीजीआई में जितने भी मरीज आ रहे थे उनका खास ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन एक मरीज जो है वो कार्डियक पेशेंट भी थे। और देख रहे हैं आप, ये राजेश सेठी जी हैं, सेक्टर 15 के हैं, कार्डिक पेशेंट हैं और ये भी एडमिट हुए थे, लेकिन आज इनको डिस्चार्ज किया जा रहा है और ये पूरी तरह से ठीक है। लेकिन ये जरूर जानेंगे कि आखिर डॉक्टर्स ने इन पर इनका जो है किस तरह से ट्रीटमेंट किया है, किस तरह से इलाज किया है, क्योंकि 67 साल के हैं ये और ये दूसरे मरीजों से अलग थे। जब आप एडमिट हुए थे कुछ डर था या नहीं? नहीं, मेरे को डर थोड़ा सा था पहले, फिर वो डॉक्टर साहब जो हार्ट के थे ना, उन्होंने मेरे साथ काफी उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा आप ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो। डॉक्टर जगत राम, डॉक्टर जशपाल भी हमारे साथ। सर, ये एक दूसरे मामलों की बात करें तो ये बिल्कुल उनसे अलग केस था। ये तो अलग ही है और इनका ठीक होना तो एक बहुत बड़ी बात है। और इतने मतलब जैसे कोरोना क्राइसिस है, इससे बाहर निकलना आम बंदे के लिए भी ये मुश्किल है, और एज के साथ अगर कोई और डिजीज हो तो उसमें से बाहर निकलना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। तो हमें तो बहुत खुशी है कि ये ठीक हो गए। डॉक्टर जशपाल से जरूर जानते हैं कि आखिर किस तरह से इनका जो है ट्रीटमेंट किया गया, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो लोग पहले किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है उनका इलाज करना भी एक बड़ा काम है, लेकिन जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त है कैसे उनका इलाज जो है वो किया गया? ये देखो भाई, गॉड ग्रेस कि हमने जो पहले काम किया था कार्डियोनिक शॉक में, तो हमें उसकी इनसाइट थी कि जब ये COVID-1 था, H1N1 था, तो जैसे कि पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब इनकी एंजियोग्राफी करते थे तो इनमें बड़ा क्लॉट निकलता था, तो हमने एंडोथेलियल डिसफंक्शन स्लो फ्लो की एक थ्योरी दी थी। तो हमने उस थ्योरी को अपने पुराने एक्सपीरियंस को रख के इनको ऐसी दवाइयां दी कि जो कि हम पहले वर्ल्ड में पहले दी हैं, जो कि हम सारे वर्ल्ड को बता रहे हैं। तो इसमें बड़ा इनोवेटिव वे से हमने किया। फिलहाल इनको जो है विदा किया जा रहा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि चंडीगढ़ पीजीआई से अगर बात करें, 1.5 महीने की बच्ची जो कोरोना पॉजिटिव आई थी वो भी ठीक होकर गई है। सबसे जो ज्यादा एज के थे 79 एज के, वो भी ठीक होकर गए हैं और ये कार्डिक पेशेंट रहे हैं और ये भी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और इनको भी डिस्चार्ज जो है वो कर दिया गया है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़।